ये OnePlus Pad 2 OnePlus का नया फ्लैगशिप टैबलेट एंड आज इसी का रिव्यू आपके लेके आया हूँ। OnePlus Pad 2 को आप देखो, दिखने में बिल्कुल इनका जो पुराने वाला पैड था ना, पहले वाला OnePlus Pad 1, उसी के जैसा लगता है। डिज़ाइन में कोई भी डिफरेंस यहाँ पे आप नोटिस नहीं करोगे, वही राउंडेड कॉर्नर्स हैं यहाँ पे, साइज में बड़े से मिनिमलिस्ट डिज़ाइन है। बैक पैनल जो है वो क्लीन है, ये ऊपर की तरफ यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल है, थोड़ा सा वैसे बड़ा लगता है। और इसके आउटर में ना इन्होंने मेटल रिंग दिया है एंड ये OnePlus का लोगो है सेंटर में। एल्यूमिनियम यूनिबॉडी डिज़ाइन है, इसकी वजह से टैप प्रीमियम लगता है एंड फील स्टर्डी। पैक पर स्मूथ मेटल फिनिश आपको मिलती है, फिंगरप्रिंट्स नहीं छपते, बहुत बढ़िया बात है। साइज में दोनों तरफ इधर और इधर चार चार स्पीकर ग्रिल्स हैं, वैसे 6 स्टीरियो स्पीकर टैप में आपको मिलते हैं। ऊपर की तरफ स्टाइलस के लिए मैग्नेट है यहाँ पे, और नीचे की तरफ यू गेट पोगो कनेक्टर्स कीबोर्ड अटैच करने के लिए। वैसे स्टाइलस एंड कीबोर्ड जो है ना वो टैप के साथ नहीं आते, इनको आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। वेट में भी इट्स डिसेंट, ज़्यादा नहीं है, 584 ग्राम इसका वेट है। लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर आप इसको होल्ड करोगे, यूज़ करोगे तो भी अनकम्फर्टेबल फील नहीं होगा। 6.5 इसकी थिकनेस है, सो आई वुड से कि भाई काफ़ी स्लिम भी रखा है इन्होंने। पुराने मॉडल से वैसे ना थोड़ा भारी, अराउंड 30 ग्राम के अराउंड, कॉज ये साइज़ में बड़ा भी है कम्पेयर टू ओल्ड OnePlus पैड। सो डिज़ाइन वाइज ये टैप बढ़िया है। अभी सिंगल कलर वेरिएंट में अवेलेबल है ग्रे में, पुराना जो उसका मॉडल था ना वो ग्रीन कलर में आता था एंड पर्सनली वो मुझे ज्यादा ठीक लगता था कंपेयर टू दिस ग्रे वाला कलर। पैड 2 में 12.1 इंच का IPS LCD पैनल है, जो प्रीवियस मॉडल से ना आधा इंच हाफ इंच ज्यादा बड़ा है। इसका रेजोल्यूशन 3K है, रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज आपको यहाँ पे मिल रहा है, पीक ब्राइटनेस 900 Nits है। ऑल्दो ये AMOLED डिस्प्ले नहीं है, LCD पैनल है, लेकिन अपने आप में फिर भी काफी हाई क्वालिटी है विद एक्सलेंट कॉन्ट्रास्ट एंड विविड कलर्स। डिस्प्ले रेजोल्यूशन है 2000x2800 पिक्सल्स, 3K डिस्प्ले है, कलर्स भी स्क्रीन पर अच्छे लगते हैं, वाइब्रेंट एंड शार्प कलर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर आप स्क्रीन पर वीडियोस देखते हो, मूवीज देखते हो, आपका ज्यादा वक्त जो है टैप पर मल्टीमीडिया कंजम्पशन में गुजरता है तो यू विल डेफिनेटली लाइक इट। रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज़ है, सो एनिमेशन प्लेबैक स्मूथ रहता है डिस्प्ले पे। ब्राइटनेस भी यहाँ पर अच्छी है, 900 Nits की पीक ब्राइटनेस आपको यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर बाहर आप सनलाइट में भी टैप को यूज करते हो बाहर जाके, तो स्क्रीन पर कॉन्टेंट विजिबल रहता है, टेक्स्ट अच्छे से विजिबल रहता है। पैड 2 में 6 स्टीरियो स्पीकर्स OnePlus ने दिए, जो अच्छा साउंड सेपरेशन ऑफर करते हैं, अच्छे लाउड स्पीकर्स हैं। ऑल्सो बॉक्सी 7:5 एस्पेक्ट रेशियो OnePlus ने रिटेन किया है पहले से, तो लैंडस्केप ओरिएंटेशन में एप्स यूज करने के लिए बढ़िया है। OnePlus Pad 2 की परफॉर्मेंस काफी इंप्रेसिव है, टैबलेट स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर के साथ आता है। डेली रूटीन में जब आप यूज करोगे टैब को तो परफॉर्मेंस अच्छी रही। मैंने जितना यूज किया, बिंग वॉचिंग, वीडियो कॉल्स या फिर सोशल मीडिया एप्स यूज करते हुए मैंने कोई प्रॉब्लम इस टैब पे फेस नहीं की, बड़ा स्मूथ एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे मिला। ऑल्सो हाई एंड गेम्स और शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग को भी ना इजीली टैप हैंडल करता है। टैप पर यूजली हम लोग गेम कम खेलते हैं, गेमिंग के लिए यूज नहीं करते, बट मैंने टेस्ट करने के लिए जो ट्राई किया तो उसकी परफॉर्मेंस मुझे स्मूथ लगी, नो लैग और स्टटर व्हाट्सोएवर। दो स्टोरेज और मेमोरी वेरिएंट्स में टैप आता है, बेस वेरिएंट में आपको 8 GB रैम मिलती है विच इज इनफ आई थिंक, एंड 128 GB इंटरनल स्टोरेज है। टॉप वेरिएंट में आपको 12 GB रैम मिलती है, 256 GB स्टोरेज यहाँ पे मिल रही है। एंड्रॉइड 14 यहाँ पे है विद ऑक्सीजन OS एंड इसकी परफॉर्मेंस सीमलेस लगी। ऑल्सो काफी अच्छे प्रोडक्टिविटी फीचर्स OnePlus ने यहाँ पे टैब में ऑफर किए, जैसे कि ऐप डॉक है जो आपको ना ओप्पो और OnePlus वाले फोन्स में आपने देखा होगा मिलता है। एंड पैड 2 में आप 3 ऐप साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हो, ये काफी हेल्पफुल है इनकेस आप मल्टीटास्किंग करनी हो आपको टैब पे। एक चीज यहाँ पे है कि ये टैबलेट वाईफाई वेरिएंट में अवेलेबल है और यहाँ पे सेलुलर ऑप्शन LTE ऑप्शन यहाँ पे कोई नहीं है। कैमरा में आपको फ्रंट पर 8 MP का सेंसर मिलता है जो वीडियो कॉल्स के लिए उससे अच्छा है। बैक पर आपको 13 MP का कैमरा दिया गया, डिसेंट है फोटोज के लिए, लेकिन आपको ना फोन लेवल फोटोग्राफी एक्सपेक्ट नहीं करनी है इससे, कंसिडरिंग कि टैब एक प्रोडक्टिविटी और मीडिया कंजप्शन सेंट्रिक डिवाइस होता है। फोटोज के लिए वी डोंट यूज इट मच, सो इसका जो कैमरा सेटअप है सर्व्स द पर्पस वेल इनफ। एक्सेसरीज में यू हैव OnePlus स्टाइलस स्टाइलो 2, उसका डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम है, सॉफ्ट लेदर लाइक टेक्सचर यहाँ पे है। इसमें इन्होंने वाइब्रेटर मोटर भी दिया है जो लिखने या ड्रॉ करते वक्त ना कंटिन्यूस फीडबैक आपको प्रोवाइड करता है, वो बढ़िया लगता है। इसको वैसे आपको ना अलग से खरीदना पड़ेगा, 5500 रुपये इसका प्राइस है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पर ना ये काफ़ी अच्छी वैल्यू ऑफर करता है। बट ये एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि OnePlus का जो ओल्ड पैड था ना इनका ओरिजिनल, उसके साथ कंपैटिबल नहीं है। एंड देन यू हैव अ स्मार्ट कीबोर्ड, इसका जो प्राइस है वो 8,500 रुपये। कीबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी जो है ना वो अच्छी है, काफी ठीक ठाक है। दो पार्ट्स में स्प्लिट होता है, एक किक स्टैंड बनता है और दूसरा ना कीबोर्ड पोगो पिंस के साथ, मतलब जो नॉर्मली अटैच होते हैं वैसे अटैच होता है। कीबोर्ड का ट्रैक पैड भी काफी ठीक ठाक है, मतलब बड़ा है। सबसे बढ़िया फीचर यहाँ पे है कि आप कीबोर्ड को ना डिवाइस से डिटैच करके भी ब्लूटूथ कीबोर्ड की तरह यूज कर सकते हैं।
OnePlus Pack 2 में 9510 mAh की बैटरी है, बैटरी साइज सेम है पुराने वाला। अगर आप ना टैब को 3-4 घंटे डेली यूज़ करते हो तो अराउंड 3 दिन तक बैटरी चलती है, 3 दिन का बैकअप आपको यहाँ पे मिल जाता है। हैवी यूसेज में भी 1.5 दिन का बैकअप आपको इजीली मिल जाएगा। 67 वॉट फास्ट चार्ज सपोर्ट है आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो अराउंड 70 से 75 मिनट में टैबलेट पूरी तरह चार्ज हो जाता है, 100% चार्ज हो जाता है। तो लेट्स कम टू द कंक्लूजन। सो अगर आप प्रीवियस वर्जन से इसको कंपेयर करोगे ना तो आई वुड से एक अच्छा अपग्रेड है। 40,000 रुपये इसका प्राइस है और 40,000 रुपये में आपको प्रीमियम ऑल मेटल डिजाइन मिल रहा है। परफॉर्मेंस बढ़िया है और इसका बैटरी बैकअप भी मुझे इंप्रेसिव लगा। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 आपको यहाँ पे मिल रहा है और 12.1 इंच की बढ़िया डिस्प्ले है और इसके साथ ही मल्टीटास्किंग, गेमिंग और बिंज वॉचिंग के लिए ना एक सॉलिड ऑप्शन हो सकता है।